बेसा डोंगरगांव सर्कल की कांग्रेस के उम्मीदवार मेघा गुलशन मानकर इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदियों को हराकर जीत हासिल की है, जिसके बाद बेसा चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर और डांस करते हुए विजयी घोषणा दी और जीत की खुशी मनाई है। आइए डालते एक नजर। बेसा डोंगरगांव सर्कल से कांग्रेस अखाड़े की उम्मीदवार मेघा गुलशन मानकर ने भारी बहुमतों से विजयी परचम लहराया है, जिसकी खबर चलते ही कार्यकर्ताओं ने बेसा चौक पर एक दूसरे को गले लगाकर डांस भी किया। इस मौके पर उम्मीदवार मेघा मानकर और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर साफ देखी गई। इस बारे में विजयी उम्मीदवार मेघा मानकर और कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। बेसा डोंगरगांव सर्कल से लेकर पंचायत समिति के जो चुनाव हुए उसके अंदर में बेसा डोंगरगांव सर्कल के एक उम्मीदवार थी मेघा गुलशन मानकर जो कि इस समय में चुन के आई हुई है। लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये माहौल है और काफ़ी ये जो तमाम जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं ये सुबह से ही इनके प्रचारार्थ जुटे हुए थे। पिछले कई महीनों से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क किया था, घर घर जाके अपने उम्मीदवार का प्रचार और प्रसार किया था। तब कहीं जाकर मेघा गुलशन मानकर इन्हें ये कामयाबी मिली है। खुद मेघा जी भी सुबह से ही निकलती थी, आइए उनसे भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सुरेंद्र बानाई, एक युवा नेता इस समय हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सुरेंद्र जी ये बताइए कि कैसे लग रहा है आज ये चुनाव जीतने के बाद? आज ये चुनाव हमने लोकशाही जीती है। आज यह हमारे यहाँ हुकूमशाही का अंत हुआ है, लोकशाही का विजय हुआ है। आज से हमारे यहाँ लोगों का जो अधिकार है वो वापस आ गया है। आज लोगों को कहीं नहीं लगेगा, आज लोगों को लगेगा जिला परिषद सरपंच आमदार आज लगेगा यह लोकशाही हुई है। जो हमारे यहाँ दलपशाही थी वो खत्म हो चुकी है, इसके बाद लोकशाही चलेंगी। ये मेरा और मेघाताई का हमने जीते, ये सब कार्यकर्ताओं के जीते, ये पूरे जनता की जीते, सब लोगों की जीते, जिन जिन्होंने लिए काम किया सबकी जीते। ये सर ये बताएं कि जिस प्रकार से सुनील केदार यहाँ पे आए थे कैबिनेट मंत्री, उसका कितना असर हुआ है? उसका बहुत असर हुआ है, पर उसका बहुत असर हुआ है। और हमारे उनके आने से हमारे कार्यकर्ता में जो उत्साह आया वो आखिरी तक बना रहा। सुनील केदार बाबू की भी जीते है, उन्होंने हमारे को बहुत मार्गदर्शन और सपोर्ट किया है। इस प्रभाग में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सी समस्या है? इस प्रभाग में सबसे ज़्यादा समस्या लोगों के घरों पे बनी हुई है। जो NMID आज सब घरों पे आज बुलडोजर की स्थिति आ गई है। जो मुद्दा मैंने पहले उठाया भी था, क्या NMID अनधिकृत वो घरों का मुद्दा है, यहाँ पानी डाटा बिल का मुद्दा है, इलेक्ट्रिक के बिल के ज़्यादा का मुद्दा है, गटर लाइन का मुद्दा है, हम इस मूलभूत सुविधा हम यहाँ पर। अब चुनाव जीतने के बाद ये तमाम जो समस्या क्या छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो? हम पूरी तरह तैयार है। हम शासन के दरबार में आज से शपथ लेते हैं कि हम सिर्फ लोगों के लिए लड़ेंगे। ये जैसी जनता की जीते जनता के लिए करेंगे। हम अपना विकास करने से अच्छा जनता का विकास करने पे ज्यादा महत्व ज्यादा ध्यान देंगे बस। तो आप थे सुरेंद्र बानाई जिन्होंने बखूबी देवा के साथ बात करते हुए ये कहा है। तो आप थे सुरेंद्र बानाई जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए ये बताया है कि ये जो जीत है सही मायने में ये कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि कार्यकर्ता जिस प्रकार से इस कामकाज में लगे थे, सुबह से लेकर रात तक के कामकाज छोड़ छाड़ के अपने पूरे जो महत्वपूर्ण काम थे उसको छोड़ के उम्मीदवार को जिताने के लिए ये तमाम बेसा डोंगरगांव सर्कल के जो नागरिक है पूरी इन्होंने जान झोंक दी थी। तब कहीं ये उम्मीदवार 150-200 के अंतर से अव्वल जीत इन्होंने हासिल की है। इस समय में खुद उम्मीद द्वारा हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। मेघा जी ये बताएं कि आप ये चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले ये बताएं आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना कि जैसे पता चला कि मैं चुन के आई हूँ तो आंसू नहीं रुक रहे थे। और ये जैसे सुरेंद्र भैया ने कहा कि ये हमारी मेघा दीदी की या फिर सुरेंद्र भैया की या गुलशन मानकर जी की जीत नहीं है, ये जीत सारे जनता की है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं ना किसी पे ये नहीं करना चाहती, लेकिन वो बोलते वो सही है कि जो तानाशाही जैसा जो वातावरण बन गया था तो उसको कम करना था और यहाँ पे लोकशाही लाना था, तो वो अभी होगा क्योंकि हम इतने लोग जनता से जुड़े हैं, तो उनकी तो पूरी हम आशाओं पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। मेघा जी आपने ये चुनाव जीता है, इस समय में तमाम लाखों दर्शक गौर से देख भी रहे सुन भी रहे, ऐसे इन भीषण के उन दर्शकों को जिस परिसर में हमारे दर्शक भी रहते हैं जहाँ से आप चुन के आई हो, ऐसे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगी, क्या उन्हें आश्वस्त करना चाहोगी और सबसे पहले कौन कौन से कामों को आप प्रायोरिटी देना चाहोगी?
जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, महिलाओं के ऊपर जो ये है वो उसके लिए मैं ध्यान देना चाहूंगी। और जो गांव है वहाँ तो गटर लाइन की उतना प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जो सिटी टाइप एरिया है वहाँ पे थोड़ा गटर लाइन का ये थोड़ा प्रॉब्लम है और थोड़े रोड रस्ते का, उस पर हम काम करना चाहेंगे। और मैं क्या, हमारे जो सब बड़े जो हमारे साथ है मिलके कार्यकर्ता है, सुनील जी केदार साहब है, उनके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। गुलशन भाई का कितना रोल रहा है? उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, यानी ये मेरी, अगर मैं नहीं आई होती तो यानी मैं बता नहीं सकती कि यानी हम क्या सिचुएशन में रहते, वो सबसे ज्यादा बिग सपोर्ट है हमारा। बिल्कुल, इनके यहाँ पे एक गाना अक्सर ये चला करता था कि मराठी में गाना था जिसके दो लाइन मैं कहना चाहूंगा कि निवडून द्या पंजाला मेगा गुलशन मान कर ला, मेगा गुलशन मान कर ला। और आज इसी प्रकार से ये जो चुनाव की जो जीत है और आज जो जीत का जो परचम लहराया गया है वो अपने आप में एक खुशी का माहौल है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जीत के आई हो, हमारे चैनल की ओर से तमाम दर्शकों की ओर से हम आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, लेकिन भविष्य में जो जिस काम के लिए लोगों ने आपको चुन के दिया उसको बखूबी के साथ करें और आगे भी इस प्रकार के कामयाबी हो और तरक्की की सीढ़ियां चढ़े और आपका नाम रोशन हो, आपका गांव का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, ऐसी हम चाहते हैं। और एक बात यही करते हैं कि तारीफ उन्हीं की होती है, यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की अभी जीत हुई है, उससे समझ सकते हम लोग। कोशिश मैं इनको बार बार इसलिए मैं मना कर रहा क्योंकि मेरे बातों में कुछ अड़िंग सा आ रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वाले की अभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की जीत होती है, ये इसका पूरा उदाहरण है। आप इन विषय की ओर से ढेर सारे तमाम विजय जो हुए उम्मीदवार जिला परिषद पंचायत समिति के और कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यही कहते हैं कि हिमालय की है पुकार, बहादुरों बड़े चलो आगे सबसे हो चलो। क्या कहना चाहोगी? मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे साथ जो भी पूरे जो लोग जुड़े हैं, प्रेमाताई है, राजुरकर दीदी है, सीमा दीदी है, पीसे दीदी है, इंगले दीदी है, भैया हमारे गांव के सभी लोगों का मैं दिल से और पूरी जनता का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे मतों से भारी थी मतों से विजय। बिल्कुल, जिस प्रकार से इन्होंने ये जो आभार प्रकट किया है, वैसे आभार तो प्रकट नहीं करना चाहिए लेकिन कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर महिलाओं ने बहुत, चलो दो चार महिला से बात करते, क्या करना चाहिए? नहीं, ये बहुत आनंद हुआ कि आज हमारे इधर सुरेंद्र भैया और ये कांग्रेस की सीट आ गई है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, सबको धन्यवाद कहना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहूंगी? मुझे तो बहुत खुशी है, मैं अकेली थी आज तक कांग्रेस में, ग्राम पंचायत बेसा की मेंबर हूँ और 10 साल में मैं अकेली हूँ, लेकिन भैया का साथ मिला सरपंच साहब का, तो हम सब ने मिलजुट के दिखा दिए कि कांग्रेस की सीट आ सकती है और अभी हमको लोकशाही लाना है, हुकुमशाही नहीं लाना है। जब जब मैं प्रचार और प्रसार के लिए आई हूँ उस वक्त हमारी सीटें निकल गई है और मेघा गुलशन मानकर आने से मुझे बहुत आनंद हुआ। हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े और महिला को ज्यादा प्राधान्य दे और बहुत लोगों का सबका काम हो जाए। मैं दीदी को पहले कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगी, हम सब ने बहुत उनको सपोर्ट किया है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए दीदी बहुत कुछ कर रहे हैं, कि और बेरोजगार जो युवा है वो सबसे बड़ी समस्या है, तो बस उनके लिए कुछ करें, यही हमारी अपेक्षा है उनसे, बस थैंक यू। कहा जाएगा कि कामयाबी उसे मिलती है, कोशिश करना चाहिए, लेकिन एक बात है, नागपुर शहर में बेसा डोंगर का परिसर से जिस प्रकार से उम्मीदवार चुन के आई है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के भी कुछ ऐसे उम्मीदवार जो चुन के आए लेकिन यहाँ से खासतौर पे मेघा गुलशन मानकर आई हुई है जो लोगों के कामकाज करने वाली है, नागरिकों की समस्या छुड़ाने का उन्होंने प्रण लिया है और उन्हें ये कामयाबी मिले और इनका ये काम 300% पूरी तरह से हो, यही हम चाहते हैं। कैमरा पर्सन बेसा चौक परिसर से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मेरे इनबीसी न्यूज़ नागपुर।